हे दोस्तों, दुनिया में वैसे तो बहुत से कलर्स हैं, लेकिन हम सब कलर्स के नाम नहीं जानते। और अगर हमें किसी के नाम पता भी हैं तो वो या तो इंग्लिश में पता होंगे या हिंदी में, लेकिन हिंदी और इंग्लिश दोनों में नहीं पता होंगे। लेकिन इस वीडियो को देखने के बाद आप सभी कलर्स के नाम हिंदी और इंग्लिश दोनों में जान जाएंगे। इस वीडियो में मैं आपको 45 कलर्स के नाम हिंदी और इंग्लिश दोनों में बताऊंगा। सभी कलर्स के नाम हिंदी और इंग्लिश में जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें और चैनल संजय मीणा को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आप मेरे आने वाले वीडियोस को देखकर अपनी नॉलेज और अवेयरनेस दोनों बढ़ा सकते हैं। सो लेट्स बिगिन। जो पहला कलर है वो है ये, इसे इंग्लिश में रेड कहते हैं और हिंदी में लाल कहते हैं। इसे इंग्लिश में ब्लू कहते हैं और हिंदी में नीला कहते हैं। इसे इंग्लिश में येलो कहते हैं और हिंदी में पीला कहते हैं। इसे इंग्लिश में ब्राउन कहते हैं और हिंदी में भूरा कहते हैं। इसे इंग्लिश में ग्रीन कहते हैं और हिंदी में हरा कहते हैं। इसे इंग्लिश में ऑरेंज कहते हैं और हिंदी में नारंगी कहते हैं। इसे इंग्लिश में पिंक कहते हैं और हिंदी में गुलाबी कहते हैं। इसे इंग्लिश में पर्पल कहते हैं और हिंदी में बैंगनी कहते हैं। इसे इंग्लिश में ब्लैक कहते हैं और हिंदी में काला कहते हैं। इसे इंग्लिश में ग्रे कहते हैं और हिंदी में स्लेटी कहते हैं। इसे इंग्लिश में सिल्वर कहते हैं और हिंदी में चांदी जैसा रंग कहते हैं। इसे इंग्लिश में बीज कहते हैं और हिंदी में गहरा पीला रंग कहते हैं। इसे इंग्लिश में व्हाइट कहते हैं और हिंदी में सफेद कहते हैं। इसे इंग्लिश में एप्रिकॉट कहते हैं और हिंदी में खुबानी रंग कहते हैं। इसे इंग्लिश में बरगंडी कहते हैं और हिंदी में भी बर्गेंडे ही कहते हैं। इसे इंग्लिश में क्रिम्सन कहते हैं और हिंदी में गहरा लाल रंग कहते हैं। इसे इंग्लिश में गोल्डन कहते हैं और हिंदी में सुनहरा कहते हैं, यानी सोने जैसा रंग। इसे इंग्लिश में मरून कहते हैं और हिंदी में भूरा लाल रंग कहते हैं। इसे इंग्लिश में रस्ट कहते हैं और हिंदी में जंग रंग कहते हैं। इसे इंग्लिश में ऑफ वाइट कहते हैं और हिंदी में धूमिल सफेद कहते हैं। इसे इंग्लिश में नेवी ब्लू कहते हैं और हिंदी में गहरा नीला कहते हैं। इसे इंग्लिश में एज्योर कहते हैं और हिंदी में आसमानी रंग कहते हैं। इसे इंग्लिश में बेबी ब्लू कहते हैं और हिंदी में हल्का आसमानी रंग कहते हैं। इसे इंग्लिश में मैजेंटा कहते हैं और हिंदी में भी मैजेंटा ही कहते हैं। इसे इंग्लिश में टॉर्क्यूस कहते हैं और हिंदी में फिरोजा कहते हैं। इसे इंग्लिश में रूबी कहते हैं और हिंदी में गहरा लाल रंग कहते हैं। इसे इंग्लिश में टॉपे कहते हैं और हिंदी में गहरा भूरा रंग कहते हैं। इसे इंग्लिश में क्ले कहते हैं और हिंदी में मिट्टी जैसा रंग कहते हैं। इसे इंग्लिश में ब्रॉन्ज कहते हैं और हिंदी में पीतल का रंग कहते हैं। इसे इंग्लिश में लिलैक कहते हैं और हिंदी में भी लिलैक ही कहते हैं। इसे इंग्लिश में मेटालिक कहते हैं और हिंदी में धातुमय रंग कहते हैं। इसे इंग्लिश में अंबर कहते हैं और हिंदी में भूरा पीला रंग कहते हैं। इसे इंग्लिश में मिंट कहते हैं और हिंदी में टकसाल रंग कहते हैं। इसे इंग्लिश में आइवरी कहते हैं और हिंदी में हाथी दांत रंग कहते हैं। इसे इंग्लिश में वायलेट कहते हैं और हिंदी में हल्का नीला रंग कहते हैं। इसे इंग्लिश में सियान कहते हैं और हिंदी में हरा नीला कहते हैं। इसे इंग्लिश में कोबाल्ट ब्लू कहते हैं और हिंदी में गहरा नीला कहते हैं।
इसे इंग्लिश में इंडिगो कहते हैं और हिंदी में नीला रंग कहते हैं। इसे इंग्लिश में ऑचरे कहते हैं और हिंदी में गेरू कहते हैं। इसे इंग्लिश में ऑरेंज रेड कहते हैं और हिंदी में नारंगी लाल कहते हैं। इसे इंग्लिश में प्यूस कहते हैं और हिंदी में गहरा भूरा रंग कहते हैं। इसे इंग्लिश में सैफ्रन कहते हैं और हिंदी में केसरिया रंग कहते हैं। इसे इंग्लिश में वर्मिलियन कहते हैं और हिंदी में सिंदूरी रंग कहते हैं। और जो आखिरी कलर है वो है ये, इसे इंग्लिश में मॉवे कहते हैं और हिंदी में चमकीला गुलाबी रंग कहते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैंने आपको 45 कलर्स के नाम हिंदी और इंग्लिश दोनों में बताए हैं। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और इसमें बताए गए कलर्स के नाम जो कि दोनों हिंदी और इंग्लिश में बताए गए हैं वो आपको आगे काम आएंगे। वीडियो पसंद आया है तो लाइक ज़रूर करें और कमेंट करके अपने सुझाव दें। अगर मैंने इस वीडियो में किसी कलर का नाम मिस कर दिया है तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। शेयर करें इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स और बच्चों के साथ, जिससे कि उनको भी 45 कलर्स के नाम हिंदी और इंग्लिश में पता चल सके और वो बाकी बच्चों से आगे रह सके। सब्सक्राइब करें चैनल संजय मीणा को और बेल आइकन पर क्लिक करके नोटिफिकेशन ऑन कर लें। फाइनली, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।